सागर जिले के राहतगढ़ नगर परिषद और ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। शहर में पाइपलाइन के लिए सीसी रोड की खुदाई कर उसे ऐसे ही छोड़ दिया। वार्ड क्रमांक 13 में लगभग ढाई माह पहले रशीद कुरैशी के घर से लेकर हाजी मुन्ना चौधरी के मार्केट तक सीसी रोड की खुदाई कर पाइपलाइन डाली गई थी। इसके बाद से ही सीसी रोड बहुत कंडम स्थिति में है, जिसके कारण वाहन चालकों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कुछ घटनाएं भी घटित हो चुकी है और ना ही नगर पालिका की इस ओर ध्यान दिया जा रहा है, ना ही ठेकेदारों का इस ओर कोई ध्यान दिया जा रहा है। राहतगढ़ निवासी शायर चौधरी ने बताया कि CMO साहब से रोड के संबंध में कई बार कहा, लेकिन वो बोल देते हैं ठेकेदार के हैंड ओवर है और ठेकेदार मिलते ही नहीं। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। समस्या यह है कि ये राहतगढ़ में नगर परिषद के द्वारा पूरे पाइपलाइन का खुदाई का काम चल रहा, पूरे शहर की रास्ते बीच उस पर खोद दिए GCB द्वारा और नगर परिषद और ठेकेदार के द्वारा। अभी तक कोई भी रास्ते पर CC नहीं हुई। नगर परिषद CMO से बोलो, खमरिया से बोलो, बोलते ठेकेदार के हैंड ओवर। ठेकेदार से बात करो, ठेकेदार है नहीं, ठेकेदार आज तक आया नहीं है नगर परिषद। वाहन चालकों के लिए बहुत परेशानी हो रही रात के समय में, और जो राहगीर हैं भी निकलते हैं, उनको बहुत समस्या होती है। बच्चों को गाड़ी लग जाती है और फिसल कर गिर रहे हैं। बहुत से लोगों के हाथ पैर भी टूट चुके हैं, लेकिन नगर परिषद का कोई ध्यान नहीं है। कहीं कहीं रास्ते पर एक एक डेढ़ फिट गहरी नालियाँ बन गई, रास्ता नाली में तब्दील हो गया, बारिश का भराव एक एक डेढ़ फुट रहता है पानी का। नगर परिषद का बिल्कुल ध्यान नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।